दिल्ली नगर बड़ा प्यारा के सब मिल मिल के करो जयकारा के आज गुरुदेव आए गए आज गुरुदेव आए गए यहाँ गुरुदेव आए हैं यहाँ गुरुदेव आए हैं दोनों हाथ उठाए तल साथ जयकारा गुरुदेव का और देखिए मुझे पता है इस हाल में बहुत है हाल भरा हुआ है लेकिन हाथ आठ दस ही दिख रहे हैं भाई सब दोनों हाथ उठाएंगे हाँ उठाएंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ और क्या कहेंगे और लगे दिल्ली नगर बड़ा प्यारा कि सब मिल मिल के करो जयकारा के आज गुरुदेव आए हैं आज गुरुदेव आए हैं आज सौरभ सागर आए हैं यहाँ सौरभ सागर आए हैं ओम देखिए ताली तो आप बजा रहे हो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा बस आपको समझाने में समय निकल जाता है इसलिए थोड़ी सी भक्ति भी कर लिया करो रोज कहना पड़ता अब तक तो आदत पड़ जानी थी और क्या कहेंगे और जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई आ गए वो गुरु देखते देखते आ गए वो गुरु देखते देखते जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई इनके खातिर ये महफिल सजाई गई जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई वो इनके खातिर ये महफिल सजाई गई आ गए वो गुरु देखते देखते और कैसे झूमते कैसे जरा झूमी ऐसे करके झूमी और क्या कहेंगे झूमे धरती झूमे धरती झूमे धरती जमी आसमां का रहे झूमे धरती जमी आसमां का रहे आ गए वो गुरु देखते देखते आ गए वो गुरु देखते देखते अंतिम बंदना दोनों हाथ पर उठाएंगे और क्या कहेंगे बोलो जे बोलो बोलो जे बोलो यहाँ राजे है बिराजे यहाँ राजे है बिराजे गुरुबल जी जसपुर वाले जीवन तेरे हवाले गुरुबल जी जसपुर वाले जीवन हवाले बोलो जे बोलो बोलो जे बोलो रही धरती और झूम रहा आसमान झूम रही धरती और झूम रहा आसमान झूम रही धरती और झूम रहा आसमान गुरुवर तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा गुरुवर तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा जयकारा गुरुदेव का दोनों हाथों को जुड़े हे गुरुदेव नमोस्तु हे गुरुदेव हम सभी का मन और हमारा तन और हमारा रोम रोम रोमांचित है कि ये हमारा देश है और बड़े मेहनत और मुश्किलों से हमें आज ये हंसने का बैठने का और संतों की शरण में आकर उपदेश और कल्याण का मार्ग लेने का अवसर उनकी बड़ी शहीद शहादतता से मिला है। हमने सुबह देखा एक नन्ना सा भगत सिंह जो जलियावाला कांड का उस पर इतना असर पड़ा 12 साल के नन्हे से मासूम भगत पर
कि वो बड़े होते होते उसने देश की आज़ादी एक प्रचंड ज्वाला के रूप में प्रकट हुई। हमने इतना देखा, उसके बाद हम महसूस करें जैसा गुरुदेव ने बताया कि जब उनके घर उनकी खबर पहुंचती होगी, बहनों की कलाइयाँ राखियाँ पड़ी रह जाती होंगी, माएँ बिना पुत्र की हो जाती होंगी और कैसे बच्चे बिलखते होंगे, उस दृश्य को लेकर, उस एहसास को लेकर, अनुभव को लेकर हम सब उतरे और इन नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा एक ऐसी ही प्रस्तुति दी जा रही है। आप सभी सहभागी बने, इनका प्रोत्साहन करें और थोड़ी बहुत भी त्रुटि हो उसको भुला दें, क्योंकि ये अभी नन्हे नन्हे हैं, इनसे अपनी एक्ट में कहीं भी भूल हो सकती है। चलिए जी, आगे हम चलें, क्रम बनाते हैं, बिना भूमिका बनाए व्यर्थ करें समय को। भैया ये माइक में दलील बच्चा, भैया तुम अचानक, पापा पापा मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, पापा आ गए से बात हो सकती है? आपके लिए कॉल। यस सर। मेजर इंदर, आपकी छुट्टी कैंसिल की जाती है, खुफिया सूचना मिली है कि मिलिटेंट सीमा पार से हमला करने की फिराक में है, आप जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। यस सर। तो हमें
आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना, निकले हैं मैदान में हम चाहते भी पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। मेजर हम जंग जीत गए, मेजर इंदर, मेजर इंदर। रणवीर 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 आके बोलो, विजय विजय मिशन चार्ली सक्सेसफुल। चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हेलो मिसेस सिंह, मेजर इंदर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने बहुत वीरता से आतंकवादियों का सामना किया, लाज है। भरा तुम भर लो
कहाँ चले गए यार, हम कैसे रहेंगे अब। आप तो कह रहे थे मैं जल्दी आऊंगा बाप। अथर मम्मा मम्मा आप रो मत, मम्मा आप बिल्कुल मत रो, मैं हूं ना आपका ध्यान रखने को। मम्मा मम्मी पापा का सपना मैं पूरा करूंगा। बंद कर दो मम्मी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंडल इधर की तरफ करें, मैं निवेदन करूंगा एक रचना गुरुदेव। एक बार मन की गहराइयों से बोलेंगे, प्रातः स्मरणीय हम सभी की आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की। समय की बंदिश है, बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम दिया, सबकी भावनाओं को उद्वेलित कर दिया, तो मैं भी स्वतंत्रता दिवस का समारोह है तो आज थोड़ा सा हटके मेरा भी मन कर रहा है। बच्चों की प्रस्तुति मैंने देखी, छोटी सी घटना घटी। बिहार में एक सैनिक का शव आया, मैं सत्य घटना से आपको जोड़ता हूँ, सैनिक का शव आया तो वहाँ पे पत्रकार भी थे, एक नेताजी पहुँचे, मैं नाम नहीं लूँगा, नेताजी पहुँचे, पत्रकार ने पूछ लिया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप एक शहीद के घर पर आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप होते, मैं होता, जैन साहब होते, कोई भी होते, ये कहते कि हमें बड़ा दुख है, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ईश्वर इस परिवार को संबल दे, शक्ति दे। नेताजी ने कहा कि व्यक्ति तो मरने के लिए ही फौज में भर्ती होता है। ऐसा हुआ था तो मैंने कल्पना की कि अगर वो शहीद सैनिक, उसकी आत्मा जवाब देती, उस बदतमीज नेता को क्या जवाब देती। तब चार पंक्तियां कि प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, क्योंकि भावनाओं को आपने देखा तो मैं वहीं से बात जोड़ता हूं। प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ने ने निहालों की लंगोटियां चली गई। प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ने नो निहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ, ऐसा विस्फोट हुआ, जिस्म का पता ही नहीं, जाने कहां बिखरी थी बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। दूसरी घटना दोस्तों, भरतपुर राजस्थान में एक जगह है, शायद आपको ध्यान हो, पाकिस्तान ने हमारे दो सैनिक भेजे थे, उनके शीश नहीं भेजे थे, उनके केवल धड़ आए थे, शीश नहीं आए थे। उनमें एक व्यक्ति जाट रेजिमेंट हेमराज था, जिसकी पत्नी ने अपने पति की अर्थी को शमशान घाट तक कांधा दिया था, गायत्री देवी शायद आपको पता हो। तो जब उसकी बहन ने पूछा, जब उसकी बाप उसने पत्नी ने पूछा शहीद की कि क्यों नहीं आया, मेरे पति का शीश क्यों नहीं आया, हे मेरे परम पिता, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य, अंत समय में अपने पति के दर्शन नहीं कर पाई। तो उसे शहीद की बहन अपनी भाभी को ढांढस धैर्य बंधाते हुए कहती है, कारण बताती है कि क्यों नहीं आया शीश, ये केवल भारत में संभव हो सकता है। वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मेरा भाई आपका पति भुलक्कड़ था। तब कारण बताती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली के रंग भूला, दिवाली की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, भाभी भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज उसी आदत को फिर धोराया है, जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। और मात्र एक मिनट में अपनी बात का समापन करता हूं। भाभी जी ने अभी नाम लिया था भगत सिंह का, तो कुछ पंक्तियां। 27 सितंबर अमर क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन आता है, मुझे जाने का सौभाग्य मिला लालपुर गंगा पंजाब में पिछले वर्ष, वहां से कुछ पंक्तियां उठाता हूं और आपके बीच में कहता हूं समय का ध्यान रखते हुए। 27 सितंबर अमर में तारागण चंद हिलोल करें, हम सभी को पता है 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई थी, लेकिन जन्मदिन उस शेर का जन्मदिन 27 सितंबर 27 सितंबर अंबर में तारागण चंद हिलोल करें,
एक नन्ना बालक था पुलकित वो कनक कुदक किलोल करे, एक नन्ना बालक था पुलकित वो कनक कुदक किलोल करे, रंग था गोरा नन्ना छोरा दंतावली दुग्ध सबल बाहु मकरंद लिए अरिदोर पड़े, स्वच्छंद समीर की गंध लुटी हो गई सुहागन दशो दिशा निज अंधकार की श्वास गुटी, हो गई सुहागन दशो दिशा निज अंधकार की श्वास गुटी, शादी न करूं करूं मौत वरण, शादी न करूं करूं मौत वरण, कर लिया था परवाने ने ते जिसने भारत को किया भय। बोलो श्री भगत सिंह की, बोलो श्री भगत सिंह की। सरकार नहीं सर कर पाई, सर सर कह के न झुकाया सर। 54 दिन तक कोड़ों की सेज, बर्फ की सेज, मक्खी मच्छी की मक्खी मच्छर की रोटी खाई, लेकिन अंग्रेजों को सर नहीं कहा। सरकार नहीं सर कर पाई, सर सर कह के न झुकाया सर, फांसी पर झूले तीनों सर, देख के शर्म से झुक गए अंग्रेजों के सर। फांसी पर झूले तीनों सर, देख के शर्म से झुक गए अंग्रेजों के सर। जिसकी जिद हो गई सदा अभय, जिसने भारत को किया अजय। बोलो श्री भगत सिंह की, बोलो श्री भगत सिंह की। और अंत में 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। अंत में केवल नहीं, वो मैं खड़ा हूं तो वो तो 4 शब्द कहने चाहिए मुझे कि पत्थर तराश कर भवन तो बनते हैं, किंतु हर भवन में प्यार नहीं मिलता। पत्थर तराश कर भवन तो बनते हैं, किंतु हर भवन में प्यार नहीं मिलता। वो प्यार भी मिले तो शांति दूर दूर रहती है, भक्ति वाले भाव को आधार नहीं मिलता। भक्ति वाले भाव को आधार नहीं मिलता। दूर 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 बड़ी दूर तक देखता हूँ, दूर 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 बड़ी दूर तक देखता हूँ, ऐसा नामोकारी अवतार नहीं मिलता। वो शांति को प्रदान करे, कष्ट का निदान करे, सौरभ सागर दरबार नहीं मिलता। सौरभ सागर दरबार ने बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताजा कुलदीप जी के लिए। अंतिम क्रम में चलते हैं, हमें गुरुदेव को भी सुनना है। उससे पूर्व एक गुरु आराधना के लिए निवेदन करूँगा। हमारे बीच में कोडरमा से अनीशा जैन है, क्या पाएं एवं गुरु चरणों में अपनी आराधना को शीघ्रता से आएं। अनीशा जैन बोलिए। आचार्य श्री 108 पुष्पदन सागर जी महाराज की बोलिए। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की। गुरुवर तुमको पाया हमने, दर्शन अब देते रहना। गुरुवर तुमको पाया हमने, दर्शन अब देते रहना। विनती है तुमसे यही मेरी, रखना अब अपनी शरणा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में चलते हैं। पूज्य श्री की मंगलमय वाणी का श्रवण करने के लिए चलते हैं। 16 तारीख है और कल यहाँ पर, हाँ 16 तारीख को कल यहाँ पर महिलाओं के रूप में एक सभा का आयोजन किया गया है, महिला अधिवेशन किया गया है, जिसमें विभिन्न समाज की
महिला मंडल यहाँ पर आ रही हैं, तो मेरा स्थानीय महिला मंडलों से भी निवेदन है कि समय का विशेष ध्यान रख करके 8:15 तक यहाँ पर पहुँचें, जिससे हम अधिक से अधिक जो आपने अपना विषय रखा है जैन धर्म एवं संस्कार महिलाओं के द्वारा, उसको हम पूज्य श्री के श्री चरणों में रख सकें एवं पूज्य श्री का भी उसमें मार्गदर्शन, पूज्य गुरुदेव का भी मंगल में आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। एवं हम सभी को 17 एवं 18 तारीख का भी विशेष ध्यान रखना है। 17 एवं 18 तारीख को देश भर के मूर्धन्य विद्वान यहाँ पर पहुँचेंगे, जिनके द्वारा परम पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज ने एक कृति लिखी है, जैनाचार संहिता। जैन, हम सभी जैन हैं, इनकी संहिता क्या है, सिद्धांत क्या है, एक बहुत आपने भी पढ़ी होगी पुस्तक जैनाचार संहिता, उस पर अपने अपने शोध पत्र, अपने आलेख पत्र लिख करके हमारे वरिष्ठ विद्वज्जन यहाँ पर पहुँचेंगे। एवं 17 एवं 18 तारीख को दोनों सत्रों में, पहला सत्र 8:15 से होगा एवं दोपहर का सत्र यथावत 3:00 से होगा, तो दोनों सत्रों में विद्वज्जन अपने आलेखों का वाचन करेंगे और हम पूज्य श्री की मंगलमय वाणी का श्रवण करेंगे। 19 तारीख को सालूना पर्व, रक्षाबंधन पर्व है, साथ ही साथ हम सभी मिलकर के देवादेव श्रीयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मोदक अर्पित करके यहाँ पर मनाएंगे। तो आप सभी को 19 तारीख तक का विशेष ध्यान रखना है। आइए हम सभी गुरुदेव के पावन श्री चरणों में चलें। जिस किसी की जिज्ञासा है, कोई प्रश्न हो, तुरंत अपने स्थान से खड़े हों, क्योंकि आपकी जिज्ञासा ही हमें पूज्य श्री की वाणी तक ले जाएगी। जी, किसकी जिज्ञासा, जिसकी भी हो जल्दी से आए, कल जिसकी रह गई थी, है कोई जिज्ञासु? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, अपने यहाँ पर पंचपरमेष्ठी की आरती है। कई बार कहा भी गया, सुना भी गया कि तस्वीरों की आरती नहीं करते, लेकिन घर में अगर पूजा कक्ष है तो पूजा कक्ष में तो तस्वीरें ही होती हैं। हम घर घर में पाठ भी करते हैं, वहाँ भी तस्वीरें होती हैं, तो तस्वीरों की आरती देवशास गुरु की, वो मान्य है या नहीं है? अगर है तो किस लिए है, और नहीं है तो हम किस तरह से पाठ पूजा के बाद आरती करें, जिज्ञासा का समाधान करें। परम पूज्य आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। नमोकार मंत्र, जैसे हम कभी भी तकलीफ में हो, किसी भी रूप में हो, तो हमेशा नमोकार मंत्र ही याद करते हैं। अब नमोकार मंत्र माला के रूप में भी करते हैं और नमोकार मंत्र बोलते भी हैं, तो हम मतलब नमोकार मंत्र का लाभ किस रूप में अधिक ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। और इस चीज़ की कभी मैंने नहीं सुना, तो कृपा करके मेरे इस जिज्ञासा का समाधान करें, ताकि मैं आगे उनको क्लियर करूं ये बात अपनी तरफ से। धन्यवाद। और किसी को जिज्ञासा, अंतिम? हाँ। नमो गुरुदेव, पहले भगवान इतने लंबे क्यों होते थे? देव गुरुदेव, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ये सब चल रहा था, तो हमारे जैन धर्म का क्या स्वरूप था? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अच्छा प्रधान गुरुजी, कोई भी घर में रिश्तेदार वगैरह कोई मूर्ति दे जाता है, घर पे तस्वीर दे जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? आइए दोनों हाथों को जोड़ें एक साथ, सही बच्चे, हाँ सब बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवनासा हॉस्पिटल प्रेरणा स्रोत आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की। कई लोग सम्मान में मूर्तियां और तस्वीर दे देते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न उठा, क्या करना चाहिए? कितना बड़ा मकान है और कितनी इकट्ठी कर सकते हो? भाई ये मूर्तियाँ और तस्वीर कोई दीपावली के मिठाई तो है नहीं कि उसने लिया उसको दे दिया। ये तो आपके धर्म को पहचान करके किसी ने वो वस्तु प्रदान करी है, इसलिए आपके पास अतिरिक्त है, उस समय सम्मान के साथ ले लीजिए,
या तो वहीं उन्हीं को वापस दे दीजिए ताकि विकल्प ही पैदा ना हो। क्या ना हो? विकल्प ही पैदा ना हो। और अगर ले आए हैं तो व्यवहारिक सम्मानित, घर में बहुत स्थान है, उसे स्थापित कर लीजिए यानी रख लीजिए। बाकी जब समय आएगा तो अपने आप ही उसकी व्यवस्थाएं हो जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ को न निकालने के लिए कहा जाता है, न मिटाने के लिए कहा जाता, और न ये कहा जाएगा कोई डिस्पोजली आइटम है समाप्त कर दो। कोशिश अपनी क्या रहे, वो समय दिया उसके सम्मान को स्वीकार करें और साइलेंट मेरे पास से यार और किसी के काम आएगा, बात ही ख़त्म। क्योंकि समाज की भी कई बार मजबूरियां ऐसी होती है कि आदमी को सम्मान न करे तो दिक्कत हो जाती है और करें तो दिक्कत हो जाती है। जानता पहचानता वो भी कह देगा कि इसके पास तो सामग्री बहुत है, नहीं देते, और ऐसे ही बोल दिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ पे आपका स्वागत है, तो भी अटपटा लगता है। तो कुछ चीज़ें सामाजिक व्यवहारिक ऐसी है जिसमें न चाहते हुए भी कई चीज़ें को निभानी पड़ती है। तो जैसे सामने वाले ने निभाया अपना कर्तव्य, वैसे आमने वाला भी निभा दे, दोनों तरफ का विकल्प सहज है। हम इसे कह देंगे घर में ले जाने के बाद चलो आप रख दो, मंदिर में ले जाओ, फलाना ढिगाना ये वो, तो आप तो एक हो लेकिन 36 सुनने वाले हैं, दूसरे दिन में मंदिर में 72 आ जाएंगे। हकीकत है ये, हकीकत ही है, तो वही कह रहे ना, हकीकत है ये। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये क्रियाएं हो जाती हैं। इसीलिए एक प्रश्न और उठ गया था कि घर में तस्वीर रहती है पूजा पाठ करे कि नहीं करे। पहचान है, प्रतीक है, वो क्या चीज़ है वो? तो घर में आप रहते हैं तो प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं रख पाते हैं तो अपना पूजा गृह बनाते हैं, तो कभी कभी आप वहाँ पर पूजा पाठ करते आरती करते हैं, वो भाव पूजा है। कौन सी पूजा है? भाव पूजा, भाव वंदना, भाव आरती है। तो कभी कभी आप द्रव्य के साथ कर लिया तो कर लिया, लेकिन मंदिरों में अलग से स्थापित करके तस्वीर की पूजा आराधना और आरती वगैरह नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर व्यवहारिक लगा हुआ है, दीप प्रज्वलन किया, ये एक चीज़ प्रतीकात्मक है, क्योंकि हम सीधे भगवान के पास नहीं कर सकते। तो घरों में एक मर्यादा है, एक व्यवहारिकता है। दीवालों पे करेंगे आप मान लीजिए तो भाव पूजा वही है, तो एक तस्वीर आपको याद दिला दी, ये चांदनपुर की है तो महावीर स्वामी याद आ गए, ये मनसापूरण की है तो ये तस्वीर आ जाएगी, यही क्षेत्र की है छोटी वाली याद आ जाएगी, सम्मेश शिखर की है तो उनका पहाड़ आपको निगाहों में घूम जाए, तो आपकी कल्पना में वहाँ की यात्रा हो जाती है। इसलिए घरों में कदाचित आप करते हैं तो कोई मनाही भी नहीं है सामान्य रूप से, क्योंकि घर में आपको पूजा का रूप नहीं रहता है, एक बोले चलो थोड़ी देर के लिए स्थान पर जाओ और अपना काम कर लें। तो भावात्मक चीज़ें घरों में कर सकते हैं, लेकिन मंदिरों में तस्वीर लगा करके अर्घ चढ़ाना, पूजा करना, ये सब क्योंकि वहाँ जिनेंद्र भगवान की होती है या प्रतिष्ठित मूर्तियों की होती है या जीवंत साधुओं की होती है, बाकी अन्य किसी की नहीं होती है। हाँ, दीप प्रज्वलन आदि ये सब चीज़ें मर्यादाएँ अलग हैं, ये कदाचित क्वचित की ऐसी बात है कि नहीं है तो अपना काम, क्योंकि स्मृति दिलाता है वो, अभी क्या दिलाता है? स्मृति दिला देता है, और जब स्मृति की गहराई होती है तो कभी कभी वहीं तक भी पहुँच जाते। नाटक देख रहे होगे ना अभी, अब उसमें देखिए बचपना है, आकृति बस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी कल्पना कहाँ तक चली गई? उस घटना तक चली गई। उसी प्रकार तस्वीर स्मृति दिलाती है, क्या दिला देती है? स्मृति दिलाती है। इसलिए घर में कदाचित करते हैं तो कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है, न तो दीप जला करके आरती करने की मनाही है, और न ही कभी कभी आपने चलो भावात्मक समर्पित भी कर लिया, ठीक है, उठाया और बाहर चले गए। विदेशों में कई लोग जाते हैं, वहाँ पर नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की क्रियाएं कर लेते, और अपने घर में भी कदाचित कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस समय भी तो यही होता था कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले धर्म क्या होता था, तो धर्म का स्वरूप तो यही था
लेकिन कभी कभी मंदिर जाने मिलता था, इसलिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से पूजा पाठ करते थे। बोले पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले, इसलिए पहले घर घर में चेताले बना दिए जाते थे। क्या बना दिए जाते थे? घर घर में चेताले, ताकि आपके परिवार में जिन वंदना के संस्कार पड़े रहें। इसलिए आप देखिएगा जितनी भी पूजा पाठ लिखी गई है वो 300 साल कितने साल की, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के जो पंडित वर्ग हुए हैं, जब भगवान नहीं मिले तो बोले क्या करें, तो बोले उनकी आराधना ही लिखो। इसलिए उस समय की पूजाएं आपको ज़्यादा मिलेगी लिखी हुई। किस समय की पूजा? उस समय की, आक्रमण के समय में घर में बैठे बैठे भाव पूजा को द्रव्य पूजा शब्दों के रूप में दे रहे थे। तो धर्म का स्वरूप यही था, नियम भी यही था, बस थोड़ा सा वर्तमान में आधुनिक रूप आ गया है, और उस समय एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक रूप था। धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, थोड़े समय के लिए सुप्त तो हो जाता है लेकिन कभी भी लुप्त नहीं होता। ये सबसे बड़ी विशेषता है धर्म की। किसकी विशेषता है? धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये धर्म का एक रूप था, तो धर्म के रूप में ये क्रियाएं होने लग जाती। आज क्या कर दिया? तीसरे नंबर पे कौन सी चीज थी? भगवान इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं? पुराने जमाने के थे वो, पुराने में हर चीज क्या होती थी? पहले बड़ी बड़ी होती थी। तो उस समय के भगवान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, मकान हैं, सब कैसे होते थे? बड़े। अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? अब और छोटे होंगे। अभी तो 3.5 हाथ के हो, बाद में कितने हो जाएंगे? 1-1 हाथ के हो जाएंगे, 2.5 क्या हो जाएंगे? तो ये प्रकृति का एक नियम बताया गया है। किसका नियम है? इसलिए इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और किसका था? श्वेतांबर परंपरा में मल्लीनाथ को स्त्री के रूप में स्वीकारा गया है। किस रूप में स्वीकारा गया है? स्त्री के रूप में। लेकिन आज तक कोई भी प्रतिमाएं उनने स्त्री के रूप में तीर्थंकर की नहीं बनाई, आज तक नहीं मिलेगा। 24 भी बनाते तो अपने जिंदन भगवान जैसे ही बनाते। अब थोड़े हिम्मत करने लग गए हैं, क्योंकि जब उन पर प्रश्न उठने लगा और एक अंगुली उठने लग गई तो उन्होंने ऐसा स्वीकार कर लिया, तो कर लिया। अब कोई कैसे रूप में स्वीकार कर ले उसे ज़्यादा कहा नहीं जाता है, वो उनकी मान्यता है। किन की मान्यता है? तो इसीलिए मल्लीनाथ भगवान को स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया। महावीर स्वामी को कह दिया कि इन्होंने विवाह किया था। क्या किया था? विवाह किया था यशोदा से। लेकिन अपने यहाँ इतना सूत्र आता कि अजात शत्रु की पुत्री के साथ संबंध की बात आई थी, क्योंकि महावीर भी तो 30 साल के हो रहे थे। आपके घर में 24 के बाद आने लग जाती है कि नहीं? उनके घर में भी पहुंच गई थी, लेकिन महावीर स्वामी ने उस बंधन को स्वीकार नहीं किया। तो ये कथाएं हैं, परंपराएं हैं, तो जहां जैसी चल रही है सो चलती है। लेकिन अपने दिगंबर परंपरा में 24 के 24 तीर्थंकर वो पुरुष थे, दिगंबर मुनिराज बने हैं। आत्म साधना करके क्या पाया है? मोक्ष को प्राप्त किया है। और किसका है? हो गए सारे। नरेंद्र कुमार जी रह गए नमोकार मंत्र के। हैं नरेंद्र जी की क्या बात है, मंत्र निरंतर चलते रहे। क्या चलता रहे? मंत्र निरंतर चलते रहे। लाभ की ओर कभी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। किसके ओर? भले की ओर जाना चाहिए, भले की ओर जाना चाहिए। पता ना क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा ये मत सोचो, क्या भला हो रहा है ये सोचो, क्या भला हो रहा है। तो मंत्र पढ़ने से स्वाभाविक रूप से पुण्यास्त्र होता है, व्यवधान निपटते हैं, आत्मिक शांति मिलती है, परिणामों की निर्मलता होती है, भविष्य की गतिविधि श्रेष्ठ होने लग जाती है, अतीत का विस्मरण होने लग जाता है और अपना जीवन भी सुचारू रूप से चलने लगता है। तो हर चीज़ ये मंत्र बहुत अच्छी चीज़ है। कौन सी चीज़ है? इसलिए जितना जपते चले जाएं, क्योंकि मंत्र गिनती के लिए नहीं होता है, विनती के लिए होता है। किसके लिए होता है? विनती के लिए है, गिनती के लिए इतना करेंगे तो इतना नहीं। वो कभी कभी स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि भी इतनी संख्या ताकि आपका मन बंधा रहे। तो महामंत्र नमोकार का स्मरण निरंतर चलता रहे, भलाई होना है, कल्याण होना है। असमय में कभी मृत्यु आ जाती है तो स्मृति में इतनी बैठ जाती है कि कोई दुर्घटना भी घट जाए
तो वो स्मृति में चलती रहती है। तो वो महावीर कहते हैं सदगति देने में ही कारण बनती है। कभी घटना घट गई, बीमार पड़ गए, क्लोट आ गया, श्वास रुकने लगी, अटैक आ गया, बेचैनी है, तो कई लोगों की आदत होती है। इसलिए कई बार आप कहते तो उसकी अंगूठा तो अंगुली में यूँ रखा हुआ था, कई लोगों को देखते, क्योंकि वो आदत से बन गई है और आदत की स्मृति बहुत सारे काम भी कर बैठती है। इसलिए सदैव जितने भी बैठे हुए हैं सवेरे और शाम उठने के बाद और सोने के पहले अवश्य ही जाप हो जाना चाहिए। बीच में अगर स्मृति है तो बहुत अच्छी बात है। ये आज आपको परिणाम नहीं दिखेगा लेकिन अंतिम समय इसका परिणाम अच्छा होता है। इसलिए मंत्र का जाप निरंतर चलते रहना चाहिए। इस प्रकार सबके हो गए आनंद के साथ। और किसी का कुछ? चलिए बहुत सुंदर, हाथ जोड़िए। लहराता उपवन है पुष्प दंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्प दंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, हानि सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रास चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, मैं अवगुण की खान रहा तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा, ओम रीम नमो अर्हते, रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। हम सबको तारे तेरी आरती, हो गुरुवर हम सबको तारे तेरी आरती। गुरुवर नाम सुरेंद्र दीना, चंद कृपा श्री पालन तुमको नाम सुरेंद्र दीना, गुरुवर नाम सुरेंद्र दीना, पुष्प दंत में सुरभित करके, पुष्प दंत में सुरभित करके, सौरभ सागर के जग पर सुरभि जोटाने वाले, जीवन बचाने वाले, गुरुवर मेरे जश पर वाले, हम सबको तारे तेरी आरती, हो गुरुवर हम सबको तारे तेरी आरती। दोनों हाथ को खोल के जितने बार ठीक हो रही है छोड़ हो गए बीत रागी त्यागी, गुरु पर बीत रागी त्यागी,
तेरा दिए जाके गुरुवर भी तेरा दिए जाके शिवपुर के महाराज बनेंगे शिवपुर के महाराज बनेंगे मुक्ति को बरपाते लक्ष्मण संयम को जगने वाले मुक्ति को बनने वाले गुरुवर मेरे जस गुरुवाले हम सबको तारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सबको तारे तेरी आरती गुरुवर हमको दे दी विद्या गुरुवर हमको दे दी विद्या ज्ञान लगा मूरत बतलाए पावन कर दे कसिया मन हर अक्षे वाले गुरुवर मेरे जस गुरुवाले हम सबको तारे तेरी आरती ओ गुरुवर हम सबको तारे तेरी आरती आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।